वायनाड में इसी जन सैलाब के बीच आज प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड से अपना पर्चा भर दिया, जिससे ये बात स्पष्ट हो जाती है दोस्तों कि ये प्रियंका गांधी वाड्रा की राजनीति में औपचारिक प्रवेश है। जी हां, प्रियंका जिन्होंने वायनाड के एक चुनावी मंच पर आकर कहा कि अब तक मैं अपने पिता के साथ आकर यहां पर प्रचार किया करती थी, मगर आज मैं अपने प्रचार के लिए आई हूं। दोस्तों, एक और वीडियो क्लिप इस वक्त प्रियंका गांधी वाड्रा का वायरल हो रहा है। एनडीटीवी की पत्रकार नुपुर ने आज नहीं, आज से करीब 25 साल पहले प्रियंका गांधी वाड्रा का इंटरव्यू किया था और इस इंटरव्यू में उन्होंने प्रियंका से पूछा था कि आप चुनावी राजनीति में प्रवेश कब करेंगी। तब उन्होंने कहा था कि लंबे अरसे तक नहीं। 1999 का वीडियो है एनडीटीवी का, मैं चाहूंगा आप इसे देखें और इस वीडियो को मैं जोड़ना चाहूंगा आज के लम्हे के साथ, आज के मंजर के साथ, जब प्रियंका गांधी वाड्रा ने औपचारिक तौर पर राजनीति में दस्तक दे दी है। सुनिए। प्रियंका, ऑल्सो इज दिस अ ड्रेस रिहर्सल फॉर योर एंट्री इनटू पॉलिटिक्स? नो, यू हैव टू वेट अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम फॉर दैट। ओके, थैंक्स प्रियंका। दोस्तों, यकीनन ये अपने आप में राजनीतिक तौर पर एक बहुत ही अहम लम्हा है, क्योंकि इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जलन, भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट और बढ़ने वाली है, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा पर उनके पति के सहारे लगातार भाजपा हमला करती रहती है। यह बात अलग है कि भ्रष्टाचार के जो भी आरोप हैं उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मत भूलिए दोस्तों, जब कांग्रेस ने इस बात का ऐलान किया था कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं वो वायनाड से चुनाव लड़ेंगी, तब उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं दिनेश सिंह, उनका एक वाहियात बयान सामने आया था। तब उन्होंने कहा था कि लड़की भाग गई, लड़की लड़ नहीं सकती, लड़की बूढ़ी हो गई है, ऐसा बयान योगी सरकार के इस मंत्री ने दिया था। और इसमें अचरज की बात नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसके नेता बहुत ही अजीबोगरीब बयान देते हैं, खासतौर से तब जब वो गांधी परिवार पर हमला बोलते हैं। मसलन, कांग्रेस की विधवा जर्सी काऊ, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और न जाने क्या क्या, लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। और अब प्रियंका गांधी वाड्रा के राजनीति में प्रवेश होने के बाद ये हमले और बढ़ने वाले हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा आज वायनाड के चुनावी मंच पर थी, मगर चुनावी मंच पर इस जन सैलाब के बीच उन्होंने कहीं ना कहीं राष्ट्रीय राजनीति में दस्तक दी है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको लगातार बताता रहा हूं कि किस तरह से जनता से संवाद कायम करने में वो अपने भाई से कहीं ज्यादा आगे हैं, और उसकी एक मिसाल मैं आपको दिखाना चाहता हूं। वो वायनाड में थी, उन्हें एक पूर्व सैनिक ने बताया था कि किस तरह से उनकी मां उनके लिए पूजा करती हैं। उस मंजर को देखिए दोस्तों कि प्रियंका गांधी वाड्रा एक बुजुर्ग महिला से जाकर मिलती हैं, वो किस तरह से इमोशनल हो जाती है, मैं चाहूंगा आप उस वीडियो को देखें। देखिए। ये वो लम्हे हैं जो प्रियंका गांधी वाड्रा को कांग्रेस के लिए एक बड़ा एसेट बनाते हैं, एक बड़ी ताकत बनाते हैं। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि प्रियंका गांधी वाड्रा पर भी भारतीय जनता पार्टी की जो मशीनरी है उसका हमला बढ़ने वाला है। वो तमाम लक्ष्मण रेखाओं को पार करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ने यही सीखा है, यही ये लोग करते आए हैं, और यही हम प्रियंका गांधी वाड्रा के संदर्भ में भी देखने वाले हैं। मैं आपको नजारा दिखाना चाहता हूं वायनाड का, राहुल गांधी की मौजूदगी में किस तरह का जन सैलाब था, ये वीडियो देखिए, जिससे आपको पता चलेगा कि वायनाड का चुनावी मुकाबला किस तरह से एक तरफा है। देखिए। Thank you.
और इस लम्हे पर राहुल गांधी भी भावुक हुए। उन्होंने जनता से कहा, क्योंकि वायनाड के पूर्व सांसद हैं, उन्होंने जनता से कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा मेरे हाथ में राखी बांधती हैं और ये राखी मैं तब तक नहीं उतारता जब तक ये खुद ना उतर जाए। इसलिए आज मैं आपसे एक वादा लेना चाहता हूं कि आप मेरी बहन की रक्षा करेंगे। अंग्रेजी में उनका भाषण है, सुनिए उन्होंने क्या कहा। एंड आई ऑल्सो नीड अ फेवर फ्रॉम यू। सी आई हैव दिस राखी ऑन माई हैंड दैट शी मेड। You have it? The rakhi that she made. I don't take it off until it breaks. And this is a symbol of a brother's protection for his sister. And that is why I ask the people of Wayanad, in fact, I request the people of Wayanad that look after my sister and protect my sister. और प्रियंका भी सामने आई दोस्तों। प्रियंका ने इस मंच से कहा कि इससे पहले मैं अपने पिता के साथ आती थी मगर आज मैं खुद के लिए आपके सामने आई हूं। स्वाभाविक सी बात है, ये प्रियंका की इमोशनल अपील थी और राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश का औपचारिक रास्ता। सुनिए उन्होंने क्या कहा। I was saying that it has been 35 years since I have been campaigning for different elections. This is the first time that I am campaigning for your support for myself and it is a very different feeling. I am deeply grateful to Congress President Mallikarjun Kharge ji for giving me this privilege of being the UDF candidate from Wayanad and to my family for supporting me and allowing me to be the candidate for Wayanad. दोस्तों आप जानते हैं कि राहुल गांधी ने दो जगह से चुनाव लड़ा था, वायनाड से और रायबरेली से। रायबरेली से उन्हें जीत मिल गई थी और उत्तर प्रदेश की जो राष्ट्रीय तौर पर मायने हैं, उसकी जो अहमियत है, उसे देखते हुए राहुल गांधी ने वायनाड को त्यागना समझा। उसके जरिए वो एक तीर से दो शिकार कर रहे थे, पहला अपनी बहन का राजनीति में प्रवेश और दूसरा उत्तर प्रदेश आने वाले दिनों में जिस तरह से अहम होने वाला है, क्योंकि 2027 में वहां पर विधानसभा चुनाव हैं, लिहाजा राहुल गांधी वहां अपनी मौजूदगी चाहते थे। मगर वायनाड को नहीं भूले। आज चुनावी मंच से उन्होंने कहा कि वायनाड का एक बहुत ही खास स्थान है। उन्होंने कहा कि वायनाड को एक नहीं दो दो सांसद मिलेंगे, एक ऑफिशियल एक अनऑफिशियल, एक आधिकारिक और एक जो आधिकारिक नहीं है। जाहिर सी बात है उनका इशारा अपनी बहन और खुद की तरफ था, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास है कि प्रियंका यह चुनाव जीत जाएंगी और उसके बाद वायनाड का प्रतिनिधित्व एक नहीं दो दो लोग करेंगे, राहुल और प्रियंका, क्योंकि वायनाड ने राहुल को एक नहीं दो दो बार जिताया। सुनिए राहुल क्या कह रहे थे। That has two members of parliament. One is the official member of parliament, and the other is the unofficial member of parliament. And they will both work together to protect the interests of the people of Wayanad. आज प्रियंका ने नाम लिए बगैर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया। बकौल प्रियंका गांधी उन्होंने कहा कि हमारे जो देश की नींव है वो नफरत पर नहीं रखी गई है, हमारे देश की नींव प्यार पर रखी गई। प्रियंका गांधी वाड्रा कहती हैं कि हमारा जो स्वतंत्रता आंदोलन था वो महात्मा गांधी से प्रेरित था और इसकी जो नींव थी उसमें एकता और हर धर्म के प्रति जो है आदर और इज्जत थी। यहां तक कि जीसस क्राइस्ट ने भी हमें जो है ह्यूमिलिटी के बारे में सिखाया है और उन्होंने हमें सिखाया है कि जब तक हमारे दिलों में प्यार नहीं है उस दिल के कोई मायने नहीं है। बुद्ध ने भी हमें अहिंसा का पाठ जो है वो सिखाया है और ये वो तमाम विचार हैं, ये तमाम मूल्य हैं जिसके लिए मैं लड़ रही हूं, कांग्रेस लड़ रही है। सुनिए प्रियंका ने क्या कहा। Our nation was founded. Our freedom movement
led by Mahatma Gandhi ji, was inspired by every single religion. The Gita's teachings, where he teaches us that whatever we do, if there is no love in our hearts, then it has no value. The teachings of the Buddha, who taught us non-violence, who showed us the path of Ahimsa, these have been all together the core and foundational values of our nationhood. These are the values that we are fighting for today. For truth, for justice, for equality, these are the values that moved my brother to walk 8,000 kilometers across India to conduct his yatra for love and unity. दोस्तों ये अतिशयोक्ति नहीं है, यहां से राष्ट्रीय राजनीति एक अहम मोड़ लेने वाली है। जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, अब तक भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर राहुल गांधी थे, वो हमला बदस्तूर जारी रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की हर संभव कोशिश है कि राष्ट्रीय राजनीति से राहुल गांधी का सफाया हो जाए। यही वजह है कि राहुल गांधी पर केसेस भी किए जाते हैं। इनफैक्ट इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो राहुल को पुणे की एक अदालत ने जो है बुलाया है, क्योंकि उन्होंने सावरकर के बारे में एक टिप्पणी की थी, तो उसको लेकर। यानी कि पूरी कोशिश है कि राहुल को किसी ना किसी तरीके से मुद्दों में उलझा कर रखा जाए, अदालती मामलों में। उनकी सांसदी पहले ही जा चुकी है, उन्हें घर से पहले ही निकाला जा चुका है, मगर उन्हें जो घर से निकाला गया था उस पर ताना मारने वाली स्मृति ईरानी को अमेठी की जनता ने दरवाजा दिखा दिया था, वो भी एक ऐसे व्यक्ति के हाथ जो कि गांधी परिवार के खासम खास रहे हैं। तो एक तरह से ताना उस वक्त स्मृति ईरानी ने मारा था राहुल गांधी को कि भाई राहुल गांधी का घर नहीं है, जनता का घर है। उसी तरह से अब स्मृति ईरानी को जनता ने बाहर का रास्ता जो है वो दिखला दिया है। तो वायनाड का मुकाबला बेशक एक तरफा है, मगर जैसे मैंने कहा, इसके मायने आने वाले वक्त में बढ़ने वाली है। प्रियंका गांधी वाड्रा अब औपचारिक तौर पर कांग्रेस के मंच पर खड़ी हुई है, और इस मंच पर राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो कि अध्यक्ष हैं, मगर उम्र, एज मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ नहीं है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अब कांग्रेस की राजनीति राहुल गांधी और फिर प्रियंका गांधी वाड्रा, इन दोनों के आसपास घूमेगी, क्योंकि इस वक्त राष्ट्रीय तौर पर उसके पास ऐसे नेता नहीं हैं जो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकें। मैंने आपको बतलाया था इससे पहले, लोकसभा चुनावों में या विधानसभा चुनावों में प्रियंका गांधी वाड्रा के खास अंदाज है, और यह अंदाज उन्हें जनता से सीधा संपर्क स्थापित करने में मदद देता है, और इस लिहाज से वो राहुल गांधी पर भारी साबित होती हैं। अब देखना यह है कि सांसद बनने के बाद इसका क्या असर हमें दिखाई देता है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये तीन विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।